भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा लखनऊ से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रवाना किया गया प्रचार रथ सोमवार को महानगर में पहुंचा, जिसका गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट पर भाजपाइयों ने स्वागत किया। प्रचार रथ को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय ने झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष रूप से यह प्रचार रथ महानगर के सभी प्रमुख शिवालयों तथा शिव मंदिरों पर पहुंचकर श्रद्धांजलियों को भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाएगा। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े ने बताया कि इस प्रचार रथ के माध्यम से केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम जनमानस को जागृत किया जाएगा। प्रत्येक महाविद्यालयों में पढ़ने वाले ऐसे सभी युवा जो 18 वर्ष की उम्र को पार कर रहे हैं तथा आगामी लोकसभा चुनाव में प्रथम बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, उन्हें मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताकर युवाओं से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए संकल्प दिलाने का काम किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े ने कहा, हमको आगे बढ़ने में कोई रुकावटें ना आए, सरकार की अड़चने ना आए, समाज व्यवस्था उनके सपनों को दबोच ना दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, युद्ध बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रंजीत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण विंग के रूप में भारतीय जनता युवा मोर्चा काम करती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सदैव नौजवानों के बीच में काम करती है। आज इस वैन के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो नौजवान 2019 लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, ऐसे नौजवानों को मोदी सरकार और योगी सरकार की उपलब्धियों को बता के 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के लिए वोट करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए आज के इस प्रचार वाहन को हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से रवाना करने का काम कर रहे हैं। आज ये बयान गोरखपुर विश्वविद्यालय से निकल के तमाम पार्कों के सामने, इंदिरा बाल विहार, तमाम आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, इस पर्व पे जो भी शहर के महत्वपूर्ण मंदिर हैं उन जहाँ पे नौजवानों की हुजूम आज जल चढ़ाने के लिए, भोले शंकर के लिए उम्र बड़ी है, ऐसे जगहों पे इस वैन के माध्यम से, इस प्रचार वाहन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को दिखाने का काम प्रचार वाहन करने का काम करेगा।